हेलो एवरीवन, आज की हमारी रेसिपी है मलाई कुल्फ़ी रोल। तो आज हम मलाई कुल्फ़ी रोल घर पे ही बना के तैयार करेंगे, बिना किसी एक्स्ट्रा क्रीम के, कोई आर्टिफिशियल कलर के। घर पे ही बहुत ही इजी है इसे बनाना और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है इसका। तो यहाँ इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। हमें फुल फैट मिल्क लेना है, मतलब मलाई के साथ दूध लेना है, और हमें इसे आधा होने तक उबालना है। यहाँ देख रहे हो आप, आधे से भी कम ये रह गया है, इतना मैंने इसे उबाल लिया है और ये गाढ़ा हो गया है अब। तो मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून शुगर डाली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/4 कप यहाँ मैंने मिल्क पाउडर डाला है, इससे अच्छी थिकनेस आती है। आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, खुद से दूध को थोड़ा और गाढ़ा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। इसके बाद यहाँ मैं फ्लेवर के लिए इसके अंदर इलायची पाउडर डालूँगी। इलायची पाउडर 1 टीस्पून डाला है मैंने, और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मलाई रोल के अंदर। यहाँ मैंने 15 से 20 केसर के धागे लिए थे, जो मैंने दूध में पहले ही भिगो के रख दिए थे, तो उससे इसका अंदर बहुत ही अच्छा नेचुरल कलर आ जाएगा और इसका फ्लेवर और खुशबू भी बहुत ही अमेजिंग रहती है। तो आप देख रहे हैं दूध बॉयल होने लगा है दोबारा, और केसर ने भी अपना अच्छा सा कलर इसके अंदर दे दिया है। तो बस इस टाइम पे हमें गैस ऑफ कर देनी है। ये बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर है, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ा थिक हो जाएगा। तो ठंडा होने के बाद हमें इसे जिसमें भी जमाना है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। आप देख रहे हैं ये और भी थिक हो गया है। तो यहाँ हमें रोल की तरह इन्हें कट करना है, तो एक लंबे गिलास में आप डाल सकते हैं, उससे बहुत ही सही तरीके से ये जम जाती है और कट भी ईजिली जाती है। तो यहाँ ऊपर मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, उसके बाद इसे कवर कर देंगे हम अच्छे से, ताकि एयर पास ना हो और अंदर उसके जो आइस क्रिस्टल हैं वो ना आए। तो यहाँ मैंने इसे ओवरनाइट फ्रिज में रखा था, तो ये अच्छे से देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से सेट हो गई है, बिल्कुल अच्छे से जमी है ये। तो आप इसे डिमोल्ड कर लीजिएगा। तो यहाँ मैंने इसे निकाल लिया है, और आप देख रहे हैं ये इस तरह से हम कट कर लेंगे। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कट करने में आपको। तो मेरे को तो देख के इसे मुँह में पानी आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी ये बनके तैयार हुई थी। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसे रोल के ऊपर आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट अलग से डाल लीजिएगा, उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा आपको खाने में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।